तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल द वायरल स्टडी में। दोस्तों आज हम आप लोगों के लिए एक बार फिर DFC सेल से रिलेटेड काफ़ी महत्वपूर्ण वीडियो लेकर आए हैं। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल में देख पा रहे, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन EDFC एंड WDFC। EDFC और WDFC आप समझते होंगे। EDFC का मतलब है ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर और WDFC का मतलब है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। तो दोस्तों इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं EDFC और WDFC से जुड़े अति महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में। जी हाँ दोस्तों, ये प्रश्न आपके एग्ज़ाम में ज़रूर पूछे जाएंगे। यदि आपने DFCCI का फॉर्म भरा है, फिल किया है, तो आप इस वीडियो को एक बार ज़रूर देख लें। जी हाँ दोस्तों, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न कवर किए हैं। और जैसे आपने DFC का फॉर्म फिल किया है, तो उससे रिलेटेड 4 से 5 क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाएंगे। तो इन 4 से 5 क्वेश्चनों को आप इस वीडियो को एक वीडियो को देखकर ही पक्का कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहें, किसी भी पार्ट को स्किप ना करें। इससे पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो को जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, मन में डाउट हो तो कमेंट करें। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन EDFC एंड WDFC और टॉप 20 क्वेश्चन है। दोस्तों ये क्वेश्चन यदि आप इस वीडियो को 1 से 2 बार देख लेते हैं, तो मेरे हिसाब से आपने जो DFC का न्यू फॉर्म भरा है उसमें 4 से 5 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। तो इस वीडियो को बिना स्किप किए देखते रहिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि आने वाले समय में इसी प्रकार की रेगुलर क्लासें आपको प्रोवाइड कराते रहें। तो दोस्तों हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, WDFC ट्रैक की कुल लंबाई कितनी है। दोस्तों सबसे पहले आपने पता होना चाहिए, आप जिस भी डिपार्टमेंट, जिस भी ऑर्गेनाइजेशन का आप फॉर्म भर रहे हैं, उसके बारे में ये बेसिक जानकारी आपने पता होनी चाहिए। फिलहाल में DFC, EDFC और WDFC दो कॉरिडोर बना रहा है, दो कॉरिडोर रनिंग में, ये WDFC और ये EDFC है। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे पूछा गया WDFC ट्रैक की लंबाई कितनी है। तो दोस्तों यहाँ पे आपने याद रखना है और अच्छे से याद कर लीजिए, 1504 किलोमीटर लंबा ट्रैक है वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर। 1504 किलोमीटर की लंबाई है WDFC की। वहीं बात कर लेते हैं दोस्तों EDFC की ट्रैक की कुल लंबाई कितनी है। तो दोस्तों EDFC के ट्रैक की ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की लंबाई दोस्तों 1839 किलोमीटर। तो दोस्तों 1839 किलोमीटर है EDFC। इसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो WDFC ट्रैक का स्टार्टिंग पॉइंट और टर्मिनेटिंग पॉइंट कौन सा है। तो दोस्तों ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, आप सभी ने याद रखना है, स्टार्टिंग पॉइंट कौन सा कहलाता है, जहाँ से WDFC स्टार्ट हुआ है। जैसे ये WDFC का स्टार्टिंग पॉइंट हो गया और यहाँ पे लास्ट टर्मिनेटिंग पॉइंट हो गया, टर्मिनेटिंग पॉइंट लास्ट होगा। तो दोस्तों स्टार्टिंग पॉइंट और टर्मिनेटिंग पॉइंट पूछा है, तो दोस्तों यहाँ पे आपने याद रखना है, सबसे पहले स्टार्टिंग पॉइंट होगा ये उत्तर प्रदेश में दादरी से। दोस्तों उत्तर प्रदेश की दादरी इसका स्टार्टिंग पॉइंट है और यहाँ पे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट JNPT ये इसका टर्मिनेटिंग पॉइंट है, नावा सेवा मुंबई तक। तो दोस्तों इसको आपने याद रखना है, दादरी टू JNPT ये आपको याद रखना है, दादरी है उत्तर प्रदेश में, JNPT है मुंबई में। इसके बाद दोस्तों सेम क्वेश्चन है, EDFC ट्रैक का स्टार्टिंग पॉइंट और टर्मिनेटिंग पॉइंट दोनों दोस्तों दोनों में अंतर और दोनों के ये क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, इसीलिए आपने याद रखना है। अब EDFC की बात कर लें, ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर की बात कर लें, तो ये स्टार्ट होता है यहाँ से और इसका टर्मिनेटिंग पॉइंट सपोज मानो यहाँ आए, तो ये है दोस्तों पंजाब में लुधियाना से ये स्टार्ट होगा और यहाँ पे ये जाएगा वेस्ट बंगाल में कहाँ पर, दानकुनी तक ये जाएगा। तो लुधियाना से लुधियाना स्टार्टिंग पॉइंट हो गया और दानकुनी टर्मिनेटिंग पॉइंट हो गया। आई होप आपको समझ में आएगा। इस वीडियो को 1 से 2 बार देख लीजिए, आपके एग्जाम में 4 से 5 नंबर पक्के होंगे। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को अभी लाइक कर दें। अब अगला क्वेश्चन है दोस्तों, WDFC किसकी फंडिंग से बना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपने दोस्तों याद रखना ही रखना है, मतलब जो वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर है उसके लिए जो फंडिंग की गई है वो किसने की है, उसमें किसकी फंडिंग से वो बना है WDFC। तो दोस्तों ये आपको याद रखना है, जापान की कंपनी है जायका। इसने दोस्तों इंडिया को 38,722 करोड़ रुपए दिए हैं, जायका ने WDFC बनाने के लिए 38,722 करोड़ का लोन
दिया है इंडिया को। तो ये आपको रकम भी याद रखनी है और किसी भी फंडिंग से बना है, जाइका की फंडिंग से, ये भी आपको याद रखना है, और कहाँ की कंपनी है, जापान की। अब दोस्तों एक क्वेश्चन है, ये पूछा जा सकता है दोस्तों जाइका का पूरा नाम, क्योंकि दोस्तों इसने इतना सारा कर्ज भारत को दिया है WDFC बनाने के लिए, और आप DFC के बारे में पढ़ रहे हैं तो आपने याद होना चाहिए जाइका का फुल फॉर्म। तो दोस्तों जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी, तो दोस्तों जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी है जाइका का फुल नाम। इसके बाद EDFC की फंडिंग EDFC किसकी फंडिंग से बना है, दोस्तों ये भी आपको याद रखना है, EDFC की में जो फंडिंग की है वो विश्व बैंक ने की है। ये EDFC के लिए लोन जो इंडिया को दिया है वो विश्व बैंक ने दिया है, और कितना लोन दिया है ये $ में 1.775 बिलियन, दोस्तों याद रखिए मिलियन नहीं है बिलियन है, और ये $ की रकम है। इसके बाद दोस्तों ये पूछा जा सकता है, अकेला बैंक का नाम भी पूछा जा सकता है, उसकी रकम भी पूछी जा सकती है, तो दोनों चीज़ें आपको याद रखनी है। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, WTFC ट्रैक कितने राज्यों से होकर गुजरता है। दोस्तों मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार कंफ्यूजन हो जाता है अपन को, तो दोस्तों इसको याद रखना है, WTFC ट्रैक 5 राज्यों से होकर गुजरता है। कौन कौन से राज्य हैं दोस्तों, हरियाणा है, राजस्थान है, गुजरात है, महाराष्ट्र है, उत्तर प्रदेश है। चूँकि दोस्तों नाम से ही है बेस्ट एंड डेडिकेटेड फ्रॉड कॉरिडोर, तो बेस्ट में जो स्टेट पड़ते हैं जैसे मुंबई बेस्ट में है, गुजरात बेस्ट में है, राजस्थान बेस्ट में है। अब यहाँ पे दोस्तों आपने हरियाणा और UP, क्योंकि ये दोस्तों स्टार्ट होता है दादरी जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है, और इसका टर्मिनेटिंग पॉइंट क्या है GNPT जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है, तो उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र तो आपको याद हो गए। इसके पहले गुजरात पड़ता है, राजस्थान पड़ता है, और हरियाणा पड़ता है। इस प्रकार से ये 5 स्टेट से होकर गुजरता है। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन सेम वही है, EDFC कितने राज्यों से होकर गुजरता है, EDFC का ट्रैक कितने राज्यों से होकर गुजरता है। तो दोस्तों यहाँ पे याद रखिए EDFC में 6 राज्य हैं, तो आपने याद रखना है WDFC में दोस्तों 5 राज्य हैं और EDFC में 6 राज्य हैं। 6 राज्य कौन कौन से हैं दोस्तों, यहाँ से लुधियाना पंजाब के लुधियाना स्टेट से स्टार्ट होता है और दानकुनी वेस्ट बंगाल दानकुनी तक जाता है ये EDFC। तो एक तो हो गया पंजाब, एक हो गया वेस्ट बंगाल। अब बात करते हैं यहाँ से चलते हैं, तो यहाँ बीच में पड़ेगा उत्तर प्रदेश, इसके बाद बिहार भी पड़ेगा, झारखंड भी पड़ेगा, और दोस्तों इसका कुछ हिस्सा हरियाणा में भी पड़ेगा। तो दोस्तों आपने याद रखना है ये 6 राज्यों से कौन कौन से, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, EDFC 6 राज्यों से होकर गुजरता है। EDFC में PPP मॉडल कहाँ से कहाँ तक है, इसकी लंबाई कितनी है। दोस्तों PPP का फुल फॉर्म भी पूछा जा सकता है, तो आपको याद रखना है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। PPP का फुल फॉर्म क्या है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप, और ये EDFC में ही है, सिर्फ PPP मॉडल EDFC में ही है, WDFC में कोई PPP मॉडल नहीं है। और ये PPP मॉडल कहाँ से कहाँ तक है, तो दोस्तों आपको याद रखना है दानकुनी जो कि वेस्ट बंगाल में है, अभी आप मैंने बताया था, सोननगर, दानकुनी से सोननगर तक कितनी लंबाई है दोस्तों, 538 किलोमीटर की लंबाई में, की लंबाई का ट्रैक PPP मॉडल पे बनेगा। तो दोस्तों लंबाई भी याद रखनी है 538 किलोमीटर दानकुनी से सोननगर, तो ये भी आपको याद रखना है PPP मॉडल से बनेगा, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है, EDFC में सिंगल लाइन कहाँ से कहाँ तक होगी। तो दोस्तों EDFC में सिंगल लाइन, वैसे तो EDFC और WDFC में सिंगल लाइन का कोई भी मतलब प्रावधान नहीं था, लेकिन दोस्तों कुछ जगहों पे जैसे जमीन की दिक्कत आ जाती है, अगर कुछ भी दिक्कत होती है DFC की पर्सनल प्रॉब्लम होती है वो, तो कुछ जगहों पे यहाँ पे सिंगल लाइन कनेक्शन भी करना पड़ रहा है। तो यहाँ पे दोस्तों यही पूछा है EDFC में सिंगल लाइन कहाँ से कहाँ तक होगी, तो दोस्तों ये आपको याद रखना है, ये सभी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो पंजाब में लुधियाना से लेकर उत्तर प्रदेश के खुर्जा बुलंदशहर तक, तो दोस्तों सिंगल लाइन कनेक्शन कहाँ से कहाँ तक होगा, दोस्तों यहाँ पे आप याद रखिए लुधियाना पंजाब में, लुधियाना से उत्तर प्रदेश के खुर्जा जो कि बुलंदशहर में आता है, यहाँ तक सिंगल लाइन कनेक्शन होगा। इसकी लंबाई टोटल कितनी होगी दोस्तों, 400 किलोमीटर, तो ये आपको याद रखना है। यदि आपसे पूछा जाए कि EDFC में सिंगल लाइन कहाँ से कहाँ तक, इसकी लंबाई कितनी है, तो 400 किलोमीटर लंबाई लुधियाना से खुर्जा तक। इसके बाद WDFC में सिंगल लाइन कहाँ से कहाँ तक होगी, तो दोस्तों WDFC में सिंगल लाइन कहाँ से कहाँ तक होगी, ये प्रथला जो कि शायद हरियाणा में पड़ता है, प्रथला से
तुगलकाबाद तक एक नई सिंगल लाइन की शाखा बनेगी। तो दोस्तों ये WDFC का है, प्रथला से तुगलकाबाद तक एक नई सिंगल लाइन की शाखा बनेगी और EDFC में पंजाब के लुधियाना से उत्तर प्रदेश के खुर्जा बुलंदशहर तक 400 किलोमीटर का है। और दोस्तों अगला क्वेश्चन है, EDFC का OCC बिल्डिंग कहाँ बनाई गई है। OCC मतलब दोस्तों ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर, ऑपरेशन कंट्रोल सेंटर की बिल्डिंग कहाँ बनाई गई है EDFC में। तो दोस्तों ये बनाई गई है प्रयागराज में और इसका उद्घाटन श्री नरेंद्र मोदी जी ने 29/12/2020 को किया था। तो ये आपको याद रखना है, OCC का उद्घाटन भी जिस दिन EDFC का इनॉग्रेशन उद्घाटन था उसी दिन OCC बिल्डिंग का भी उद्घाटन उन्होंने किया था। तो ये कहाँ बनाई गई, प्रयागराज में, जिसका पुराना नाम इलाहाबाद है। तो दोनों सही हैं। इसके बाद दोस्तों WDFC की OCC बिल्डिंग कहाँ बनेगी, ये तो थी दोस्तों EDFC की। अब WDFC की दोस्तों बनने वाली है अहमदाबाद में, अहमदाबाद जो कि गुजरात में आता है, अहमदाबाद में OCC बिल्डिंग बनेगी WDFC की। तो दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखने। EDFC का उद्घाटन कब हुआ दोस्तों, ये आप मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि करेंट अफेयर का क्वेश्चन है, ये हम 100% पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। तो याद रखिए 29/12/2020 को EDFC का उद्घाटन हुआ और WDFC का उद्घाटन 7/1/2021 को WDFC का उद्घाटन हुआ। इसके बाद दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17, EDFC में कंटेनर की ऊंचाई कितनी रखी गई है। तो दोस्तों ये मोस्ट मतलब इम्पोर्टेंट डिफरेंस है दोनों में, EDFC और WDFC में। EDFC में जो हाइट रखी गई है वो 1.5 मीटर रखी गई है, जबकि WDFC में जो हाइट रखी गई है 1.7 मीटर रखी गई है कंटेनर की। तो दोस्तों ये मोस्ट इम्पोर्टेंट डिफरेंस है, सबसे पहले आपने यही बताना है कि 5.1 मीटर EDFC और 7.1 मीटर WDFC। इसीलिए दोस्तों रोरो सेवा की शुरुआत कहाँ होगी, तो WDFC में होगी, चूँकि इसकी हाइट अधिक है तो रोरो सेवा में आसानी होगी। इसमें अलाउ है रोरो सेवा, सिर्फ रोरो सेवा WDFC में अलाउ है, EDFC में अलाउ नहीं है। तो ये भी आपको याद रखना है कि रोरो सेवा किस कॉरिडोर में होगी, तो ये सिर्फ WDFC में होगी। क्यों होगी, तो इसका आंसर है इसकी हाइट 1.7 मीटर है, जबकि WDFC की हाइट मतलब EDFC की हाइट WDFC की तुलना में कम है, क्योंकि इसकी हाइट 5.1 मीटर है। और रोरो सेवा की शुरुआत दोस्तों इसके पहले WDFC में रोरो सेवा की शुरुआत होने से पहले भारत की एकमात्र रेलवे जोन जिसमें रोरो सेवा की शुरुआत हुई। तो दोस्तों ये आपको याद रखना है, भारत के एकमात्र, इसलिए याद रखना है। इससे पहले रोरो सेवा कहाँ थी दोस्तों, कोंकण रेलवे ने रोरो सेवा का को स्टार्ट किया था भारत में। तो दोस्तों ये हमारे टॉप 20 क्वेश्चन थे, आई होप आपको सभी क्वेश्चन आसानी से समझ में आएंगे। यदि अभी भी आपके मन में कोई डाउट है तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो को 1 से 2 बार देखिए और एग्ज़ाम देने जाइए, आपके 4 से 5 नंबर पक्के होंगे दोस्तों। इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन हर एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही दोस्तों। यदि आप इसकी फ्री PDF डाउनलोड करना चाहते हैं, जो मैंने आपको क्वेश्चन बताया, यदि आप इसकी PDF डाउनलोड करना चाहते हैं तो हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.thevitalstudy.com से जाके आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसकी लिंक मैं वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे एक न्यू जानकारी के साथ, एक न्यू अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, धन्यवाद, थैंक यू।